हाय, दिस इज़ अब्दुल हसीब एंड वेलकम टू द 88 कीज। आज जिस सॉन्ग का पियानो लेसन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उस सॉन्ग का नाम है फेडेड बाय एलन वॉकर। अगेन, ये एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग है फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। अगर आप भी अपने फेवरेट सॉन्ग का पियानो लेसन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मेल कीजिए, मैं ऐसे ही उसका भी एक पियानो लेसन बना दूंगा। पियानो लेसन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर इस पियानो लेसन से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉन्ग का जो स्केल है वो है डी शार्प माइनर, और डी शार्प माइनर को हम ई फ्लैट माइनर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस सॉन्ग का स्केल क्या है। जी, तो ये है डी शार्प माइनर का स्केल। आइए देखते हैं इस सॉन्ग में जो कॉर्ड्स यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। ये डी शार्प माइनर, उसके बाद आती है हमारी बी मेजर, उसके बाद एफ शार्प मेजर एंड देन सी शार्प मेजर। ये चारों कॉर्ड्स डी शार्प माइनर की फैमिली कॉर्ड्स हैं और एज अ लूप ही पूरे सॉन्ग में चल रही हैं। तो देखते हैं इसका इंट्रो कैसे प्ले हो रहा है। मैं हर कोर्ड का जो सेकंड नोट है उसको स्किप कर रहा हूँ ताकि उस गाने की फील बरकरार रहे और एक प्यारा सा साउंड निकल के आए। तो एक बार फिर से मैं इंट्रो प्ले कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगेन, यही दोबारा रिपीट होता है तो मैं इसको प्ले नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे प्ले हो रहा है। अगर आपको कॉर्ड्स की वेरिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एज अ रिदम भी प्ले कर सकते हैं। ये सॉन्ग जो है 4/4 बीट पे है, तो हर कॉर्ड को आप 4 दफ़ा एज अ रिदम प्ले कर सकते हैं और रिदम में रहते हुए आप इसकी मेलोडी को भी प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे। जी, तो ये था इस सॉन्ग का फर्स्ट पार्ट। मैं कॉर्ड्स और नोट्स को साथ साथ इसीलिए प्ले कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गाने को प्ले कैसे करना है। अगर मैं कॉर्ड्स और नोट्स को अलग अलग आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है और आप लोग इसको आसानी से सीख भी नहीं सकते। तो अगर आप इस सॉन्ग को जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ स्लो में, अगर आप भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप भी ज़रूर इसको सीख जाएंगे। आई नो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हर सॉन्ग को प्ले करने में तो आप जल्दी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे प्ले हो रहा है। अगेन, यही वाली लाइन दोबारा रिपीट होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा इसी लाइन के साथ। तो वो देखते हैं कैसे होगा।
जी तो ये था फेडेड। ये जितना मैंने प्ले किया है ये आगे ऐसे ही रिपीट होता रहता है, तो थोड़ी बहुत ही माइनर चेंजेस होती हैं, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट सीख जाएंगे तो इसको ही आगे रिपीट करेंगे तो पूरा गाना कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पियानो लेसन ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर।